Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा से जुड़ी अपनी श्रृंखला में आज हम जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करेंगे जयप्रकाश नारायण अपने समर्थकों के बीच में जेपी के नाम से लोकप्रिय थे और उन्हें आज भी जेपी के रूप में ही याद किया जाता है जयप्रकाश नारायण हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे समाजवादी चिंतक थे और देश की आज़ादी के बाद भी उन्होंने समाजवाद सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति के रूप में अपने विचारों को रखा 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो उसके पहले के दौर में और आपात आपातकाल के दौरान वे लोकतंत्रवादी शक्तियों के लिए प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में बने रहे और उन्होंने हमारे देश को आपातकाल की एक काली कोठरी से निकलने में बड़ी मदद की उनके व्यक्तित्व के कारण ही तमाम विपक्षी दल जो थे वो 1977 के चुनाव में एक दूसरे के साथ जुड़ पाए और जिसके कारण से इंदिरा गांधी की सरकार को हार का सामना करना पड़ा और एक तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र की पुनर्वापसी हुई हमारी जो चर्चा है जयप्रकाश नारायण के बारे में उसमें हम उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत करेंगे और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्सवाद से गांधीवाद तक का उनका सफ़र किस तरीके से रहा क्योंकि वो आरंभिक दौर में मार्क्सवादी थे और बाद के दौर में वो गांधीवादी के रूप में खुद को प्रस्तुत करने लगे जयप्रकाश नारायण की समाजवादी विचारधारा से मतलब यहाँ पर यह है जिसकी हम चर्चा करेंगे कि जब गांधीवाद से लेते हुए वो एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं अपने विचारों की तो वो किस रूप में सामने आता है वो किस तरह के बदलावों की बात करते हैं और समग्र या संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन का जो उनका विचार था वह क्या था और उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र के बारे में किस तरीके से विचार प्रस्तुत किया और उसके बाद हम उनके विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण भी करेंगे जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर उन्नीस को हुई थी जैसे मैंने पहले बताया कि ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और इन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया इंदिरा गांधी को प्रच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है उन्नीस में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब्दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ इनका विवाह अक्टूबर 1920 में हुआ वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए वे 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए वहाँ उन्होंने उन्नीस से उन्नीस के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली विस्कॉन्सन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया महंगी पढ़ाई के खर्चों का वहन करने के लिए उन्होंने खेतों कंपनियों और रेस्तरा में काम किया वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए इसी दौर में उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की उनकी माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण वे भारत वापस आ गए और पीएचडी पूरी न कर सके 1929 में जब वे आ, अमेरिका से लौटे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था उनका संपर्क गांधी जी के साथ काम कर रहे जवाहरलाल नेहरू से हुआ वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा बने 1932 में गांधी नेहरू और अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत के अलग-अलग हिस्सों में आ, संग्राम का नेतृत्व किया आंदोलन के नेतृत्व में जुड़े रहे अंततः उन्हें भी मद्रास से सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक जेल में भेज दिया गया यहाँ उनकी मुलाकात मीनू मसानी अच्युत पटवर्धन एन गोरे अशोक मेहता जैसे उत्साही कांग्रेसी नेताओं से हुई जेल में इनकी द्वारा की गई चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सी को जन्म दिया सी समाजवाद में विश्वास रखती थी जब कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया तो जेपी और सीएसपी ने इसका विरोध किया हमें यह समझने की ज़रूरत है और जब हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो विशेष रूप से यह समझ हमारे दिमाग में साफ़ होनी चाहिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ उन्नीस में उसमें जो कांग्रेस के जो समाजवादी तत्व थे जो वामपंथी तत्व थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे नेता थे जो कि समाजवाद में भरोसा रखते थे लेकिन वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का का हिस्सा नहीं बने कांग्रेस जो थी वो एक उस समय एक अम्ब्रेला या संगठन के रूप में थी जिसमें अलग अलग धाराओं के लोग थे उसमें आ, उदारवादी भी थे उसमें जमींदारी का समर्थन करने वाले लोग भी थे उसमें उद्योगपति भी थे मध्यमार्गी भी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जैसे सोशलिस्ट विचारों को रखने वाले लोग भी थे तो आजादी के समय तक 1948 तक आजादी मिलने के समय तक यह पूरा का पूरा संगठन जो है वो कांग्रेस के भीतर ही काम करता रहा और उन्होंने कांग्रेस के भीतर यह कोशिश की लगातार कोशिश की कि कांग्रेस अलग-अलग मुद्दों पर ज्यादा रेडिकल स्टैंड ले 1939 में तो जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तब भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जयप्रकाश नारायण खुद इस पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस चुनाव में हिस्सा ले क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यह एक तरीके से मध्यवर्ती जीत हासिल करने की तरह है और कांग्रेस का लक्ष्य बड़े उद्देश्य यानी देश की आजादी की तरफ होना चाहिए उन्नीस में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने सरकार को किराया और राजस्व रोकने के अभियान चलाए टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल करा के यह प्रयास किया कि अंग्रेजों को इस्पात ना पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नौ महीने की कैद की सजा सुनाई गई उन्हें बंदी बनाकर मुंबई की ऑर्थर जेल और दिल्ली की कैंप जेल में रखा गया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हथियारों के उपयोग को सही समझा उन्होंने नेपाल जाकर आजाद दस्ते का गठन किया और उसे प्रशिक्षण दिया उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन से सितंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिया गया 16 महीने बाद जनवरी 1945 में उन्हें आगरा जेल स्थानांतरित कर दिया गया जयप्रकाश नारायण की रिहाई नहीं हो जाती है आजाद कर दिया गया असल में इस पूरे दौर में खासतौर पे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया एक प्रेरक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सामने आते हैं जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो उसके अगले ही दिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था अलग अलग स्थानों पर जनता ने खुद को गोलबंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की शुरुआत की लेकिन इस विरोध को ज्यादा संगठित रूप देने का काम सोशलिस्ट नेताओं ने किया और उसमें जेपी और राम मनोहर लोहिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही और जब तक ये जेल से बाहर रहे जब तक ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आए तब तक ये अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बने रहे भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अलग अलग स्थानों पर इस रूप में संगठित हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजी प्रशासन जो था वो खुद को लचर मानने लगा इस चीज़ को नियंत्रित करने में क्योंकि देश के लोग अब अंग्रेजी शासन की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे ऐसा अंग्रेजों को भी एहसास हुआ इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसने असल में इस बात को अंग्रेजों के सामने साफ कर दिया कि अब वे भारत में शासन नहीं कर सकते हैं उनके शासन की वैधता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है तो और इसमें सुभाष चंद्र बोस और राम मनोहर लोहिया का जो प्रयास था वो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जा सकता है क्योंकि वो उन कुछ नेताओं में थे कुछ बड़े नेताओं में थे जो जेल नहीं गए थे और जेल से बाहर रहते हुए उन्होंने आंदोलन को संगठित किया हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि बाद के समय में जैसे उन्नीस में सितंबर उन्नीस में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया लोहिया को चौवालीस में गिरफ्तार किया गया तो तो जब तक ये बाहर रहे, ये बाहर संघर्ष करते रहे, तो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काफी यातना झेली काफी कुछ देश के लिए प्रयास किया और आ, आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य भी होगा कि इनके बारे में उसी समय जो कविताएं रामधारी सिंह दिनकर लिखा करते थे वह इस बात का प्रमाण था कि आम लोगों में जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित हो चुके थे और इनके बारे में कविताएं लिखी जा रही थी उनके बारे में उनके चरित्र को लेकर अलग अलग तरीके से श्रद्धा पूर्वक लोग बातें कह रहे थे स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस सरकार द्वारा गांधी जी के सपनों से अलग विकास का रास्ता अपनाया गया गांधी जी चाहते थे ग्राम स्वराज पर आधारित विकास का रास्ता अपनाया जाए लेकिन कांग्रेस और विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू का इस बात पर पक्का यकीन था कि बड़े उद्योगों और तकनीक की मदद से ही हम इतना उत्पादन कर सकते हैं जिससे हमारे देश का विकास हो सके जयप्रकाश नारायण ने यह पाया कि दलगत राजनीति द्वारा लोक स्वराज की रूपरेखा नहीं बन सकती है लेकिन इसके पहले जयप्रकाश नारायण पहले आम चुनाव में सक्रिय रहे उनकी पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस उन्नीस में अलग हो गई और उसके बाद जब उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्होंने कोशिश की कि जो अन्य छोटे दल हैं उनसे गठबंधन बने मिसाल के तौर पर बिहार में जयप्रकाश नारायण ने झारखंड पार्टी जिसके नेता जयपाल सिंह मुंडा थे उनसे यह आग्रह किया कि वो और सोशलिस्ट पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने अलग अलग मजबूरियों के कारण यह बात नहीं मानी तो एक विपक्षी एकता की राजनीति जितनी मजबूती से होनी चाहिए थी उन्नीस के पहले आम चुनाव में वो नहीं हो पाई विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा जयप्रकाश नारायण ने खुद को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया और इसके बाद वो दलगत राजनीति से से अलग होकर को दूसरे तरीके से स्थापित करने की कोशिश में लग गए जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे के सर्वोदय के मार्ग को अपना लिया सक्रिय राजनीति से दूर रहकर जयप्रकाश नारायण भूदान ग्रामदान ग्राम, ग्राम स्वराज्य और लोक नीति के समर्थन में सक्रिय हो गए और इस दौर में उन्होंने दुनिया के तमाम देशों में जाकर अलग अलग मुद्दों पर भाषण देने का भी काम किया एक और महत्वपूर्ण बात है कि 50 के दशक में यह बात बार बार आती थी कि आफ्टर नेहरू हु और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लेखक और खुद नेहरू भी इस बात को लेकर एक तरीके से विचार रखते थे कि जयप्रकाश नारायण वो संभावना है कि वह नेहरू के बाद भारत का नेतृत्व तो संभाल सकते हैं हालांकि सक्रिय राजनीति से वो दूर हो चुके थे और फिर साठ के दशक में कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी राजनीति नए तरह के करवट लेने लगी थी तो सक्रिय राजनीति में उनकी प्रासंगिकता भी धीरे धीरे खत्म हो गई सोशलिस्ट जो थे वो लोहिया की नेतृत्व में खुद को संगठित करने लगे थे जो जयप्रकाश नारायण थे वो पचास और साठ के दशक में इन मुद्दों पर लगातार काम करते रहे जो सर्वोदय के मुद्दे थे जो गांधी विचार का मुद्दा था और जो दलविहीन राजनीति का उनका चिंतन था उस पर वो लगातार जुड़कर काम करने लगे लेकिन सत्तर के दशक में उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत की और आपातकाल के बाद हुए चुनाव में विपक्षी दलों को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही मैं यहां संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आगे हम उस धारणा और उस आंदोलन की विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन जो जयप्रकाश थे 8 अक्टूबर 1979 को इनका देहांत हुआ और इन्हें यह अपने जीवन के आखिरी समय में एहसास होने लगा था कि जो जनता पार्टी के रूप में प्रयोग है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है बहरहाल जयप्रकाश का जो पूरा जीवन था वह उस जीवन में एक कई तरह के पड़ाव सामने आते हैं वो एक क्रांतिकारी और समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सामने आते हैं इसके बाद वो एक सर्वोदयी नेता के रूप में सामने आते हैं और जीवन के आखिरी पड़ाव में वो फिर से सक्रिय राजनीति में वापस आकर देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो इन सभी पड़ाव में उन्होंने अलग अलग तरह की रचनाएं की उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा सोशलिस्ट यूनिटी एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दूसरा नेशन बिल्डिंग इन इंडिया फिर जयप्रकाश नारायण का सिलेक्टेड वर्क्स भी प्रकाशित हुआ है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिजन डायरी जो 1975 में जब वो रहे जेल में तो उसके से संबंधित in है प्रकाशित किताब है तो ये और भी जो कुछ उनकी रचनाएं हैं वो जिनका जिक्र यहाँ पर नहीं है वो महत्वपूर्ण है लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने वो भी उस दौर के नेता थे जो अपने विचारों को कलंबद्ध करने में विश्वास रखते थे अपने विचारों को लिखते थे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर व्यवस्थित तरीके से चिंतन कर पाएं जयप्रकाश नारायण के बारे में जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया था कि वो मार्क्सवाद से आरंभिक दौर में प्रभावित थे और उसके बाद वो गांधीवाद की ओर आगे बढ़े जयप्रकाश नारायण का चिंतन चिर विकासशील रहा है प्रारंभ में वे मार्क्सवादी थे बाद में गांधी जी के प्रभाव से समाजवादी हुए और अंत में सर्वोदयी नेता उन्होंने मार्क्सवाद से सर्वोदयवाद तक की अपनी यात्रा का वर्णन स्वयं अपने शब्दों में किया है मैं रोटी के लिए सत्ता के लिए सुरक्षा के लिए समृद्धि के लिए राज्य के गौरव के लिए अथवा अन्य किसी भी वस्तु के लिए स्वतंत्रता का सौदा नहीं कर सकता प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवाद गांधीवाद से कहीं श्रेष्ठ प्रतीत हुआ इसका कारण यह है कि वे रूसी क्रांति द्वारा देख चुके थे कि मार्क्सवाद स्वतंत्रता बंधुत्व और शोषण से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किंतु जब से भाग लिया। इस प्रयास की मार्क्सवादियों ने कड़ी आलोचना की और उन्हें पूंजीवादी तथा प्रतिक्रियावादी घोषित कर दिया इससे जयप्रकाश को बहुत धक्का लगा लेनिन के बाद सत्ता के संघर्ष में सोवियत यूनियन में स्टालिन आए थे और उन्होंने आ, काफी ज्यादा हिंसा की लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन कर हजारों लोगों का कत्ल कर दिया इससे जयप्रकाश सिहर उठे उनके मन में मार्क्सवाद के प्रति की भावना घर और उन्नीस और 1934 में जैसे हमने पहले चर्चा की है कि वो सोशलिस्ट पार्टी के गठन करने वाले आरंभिक लोगों में थे सोशलिस्ट मार्क्सवाद में आस्था रखते थे लेकिन गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी उनका जुड़ाव था गांधी जी के विचारों से जेपी और जो अन्य सोशलिस्ट थे वो प्रभावित थे सोवियत संघ में लोगों के दमन की खबरों ने मार्क्सवाद से उनका मोह भंग किया और और वे धीरे धीरे गांधी के विचारों के और गांधी के 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 विचारों ज्यादा करीब आ गए महात्मा की हत्या बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से गांधी के विचारों के अनुरूप काम करने में लगा दिया अब ये पूर्णतः गांधीवादी हो गए और विनोबा भावे के प्रभाव में सर्वोदय आंदोलन के कट्टर समर्थक बन गए अब यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब हम जयप्रकाश नारायण के वैचारिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने एक समझ होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्क्सवाद के भीतर किस तरह की चीजें हो रही थी अब और भारत की जो स्थिति थी वो अलग थी खासतौर पर भारत में जो मार्क्सवादी थे उसमें से जो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे वो लोग तो गांधी को पूंजीवाद का समर्थक प्रतिक्रियावादी मानते थे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो कि क्रांति के रास्ते में कई बार बाधक का काम कर रहा है लेकिन जो लोग कॉम्युनिस्ट नहीं थे और कम्युनिस्टों में भी कई लोग गांधी के व्यक्तित्व को लेकर भ्रम की अवस्था में रहते थे और उन्हें यह सही नहीं लगता था कि गांधी को पूरी तरीके से एक रिएक्शनरी या पूंजीपतियों के समर्थक चिंतक के रूप में या नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाए लेकिन जो सोशलिस्ट थे उनका गांधी के साथ और नजदीकी जुड़ाव था और उन्हें यह लगता था कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है उनका जो संघर्ष है वह काफी मूल्यवान है और उसके प्रति वो आदर का भाव रखते थे वो खुद को मार्क्सवाद से भी रखते थे। लेकिन सारे सोशलिस्टों को यह बात नागवार गुजरी अच्छी नहीं लगी कि सोवियत यूनियन में व्यक्तियों की स्वतंत्रता का दमन किया गया है स्टालिन के दमन की कहानी जैसे सामने आती रही वैसे वैसे कई सारे सोशलिस्टों को यह लगने लगा कि मार्क्सवाद के नाम पर जिस तरह की हिंसा की जा रही है या जिस तरह की लोगों की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है है उसके कारण से अगर एक तीव्र औद्योगिक राष्ट्र के रूप में सोवियत यूनियन उभरता भी है, तो उसे श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता है तो इस लिहाज से वो लोग धीरे 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 करके मार्क्सवाद की जो सोवियत यूनियन का, का जो पूरा वर्णन था उससे दूर होते चले गए और उन्होंने वामपंथी विचारों को भारतीय संदर्भ में उगाने की कोशिश की और यह कोशिश की कि एक रेडिकल विचार वो रखें लेकिन इसके साथ ही जो भारतीय परंपरा है और, और उससे भी बढ़कर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनसे वो अपना जुड़ाव रखें तो ये जो एक बदलाव की पूरी प्रक्रिया रही वो जेपी के साथ भी हुई गांधी जी के साथ संपर्क ने उनको बदला और फिर धीरे धीरे उनका यह विश्वास बढ़ता गया कि जो बदलाव है वह हिंसक क्रांति के द्वारा नहीं हो सकता है जो बदलाव है वह बदलाव वर्ग संघर्ष के माध्यम से नहीं हो सकता है बल्कि उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से एक सर्वोदय की संकल्पना पर काम करने की जरूरत है तो वो गांधी जी की हत्या के बाद और फिर 1950 के पहले आम चुनाव के बाद पूरी तरीके से गांधीवादी दर्शन में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा और आगे मैं इन बातों को और बिंदुवार रखूंगा कि जेपी ने अपने तरीके से एक समाजवाद का मॉडल भी विकसित किया और वो इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि हमें कैसे इन लक्ष्यों को हासिल करना है आगे हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को सर्वोदय के रूप में बदलने की बात कही उनका कहना था कि समाजवाद के प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को हासिल करने के लिए इसे सर्वोदय के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है इसके बिना समाजवादी लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता गांधी जी और उनके प्रिय शिष्य विनोबा भावे को सर्वोदय सिद्धांत पर विस्तृत तरीके से काम कर रहे थे जयप्रकाश नारायण इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विनोबा भावे की तरफ अपने योगदान के लिए हाथ बढ़ाया सर्वोदय को आगे बढ़ाने के लिए विनोबा भावे ने भूदान ग्राम दल का गठन किया था जिसका जयप्रकाश ने साथ दिया उन्नीस में बोध गया सर्वोदय सम्मेलन में जयप्रकाश ने अपने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर भूदान आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया यहीं से उनकी सर्वोदय यात्रा शुरू हुई जो 22 वर्ष तक सक्रिय रही सर्वोदय के दर्शन के उदय करने में जयप्रकाश जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही गांधी जी का मानना था कि गरीब तथा निर्बलों को भौतिक उत्थान की आवश्यकता है तो पूंजीपतियों को आध्यात्मिक उत्थान की आवश्यकता है जयप्रकाश ये मानते थे कि समाज में दोनों वर्गों में लाया गया बदलाव अस्थायी होता है उसका परिणाम सुखद नहीं होता जब तक सभी का उत्थान नहीं होगा तब तक राज्य व समाज को सशक्त नहीं बनाया जा सकता वह समाज की स्थापना नहीं करना चाहते थे वह आपसी सहयोग से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे उस समाजवाद को जनता का समाजवाद कहा जाएगा यानी कि अगर राज्य ऊपर से बहुत सारे बदलाव करता है और संसाधनों का केंद्रीकरण करता है जो लोगों की निजी संपत्ति है उनसे छीनता है और उसके बाद बलपूर्वक एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जाती है तो जयप्रकाश नारायण का मानना है कि इस तरह की समाजवादी व्यवस्था अस्थायी होगी लोग उसके हृदय से उसे हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि देश के भीतर जो लोग हैं जो आम जनता है वह और आम जनता में सभी जो समाज के तबके हैं वह इन विचारों को स्वीकार करें जो पूंजीपति है वो यह स्वीकार करे कि उनके लिए यह श्रेयस्कर नहीं है कि वो जनता का दोहन कर रहे हैं और जो आम लोग हैं वो भी इस बात को जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो भी इस बात को माने को कि पूरी तरीके से नष्ट करके वो एक बेहतर समाज की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं तो आपसी सामंजस्य के साथ आपसी समन्वय के साथ आपसी आ, मेल मिलाप के साथ एक बेहतर समाजवादी समाज को बनाया जा सकता है जब प्रकाश ने कहा कि बुदान आंदोलन साधारण होगा परंतु यह वास्तव में चारों ओर से सामाजिक तथा मानवीय क्रांति का प्रभाव है सर्वोदय के माध्यम से समाज में भी बदलाव लाएगा मुझे ये उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग भूदान आंदोलन से परिचित होंगे भूदान आंदोलन का जो मुख्य लक्ष्य था वह यह था कि जिन लोगों के पास भी जरूरत से ज्यादा जमीन है उनसे यह आह्वान किया जाए कानून से परे जाकर कि वो अपनी ज्यादा जमीन जो है वो भूदान आंदोलन को दे दें और फिर इस ज्यादा जमीन का वितरण जो भूमिहीन लोग हैं उनमें करने का प्रावधान किया गया कई लोगों को यह आंदोलन काफी श्रेयस्कर लगा काफी बेहतर लगा कई आलोचक यह मानते थे कि असल में इस आंदोलन ने बहुत सारे लोगों को एक प्रेरणा दी कि वो अपनी बेकार पड़ी जमीन दे दें और एक तरीके से ये टैग भी लगा लें कि उन्होंने भूदान किया है और वो अपनी ज्यादा बड़ी जमीन को इस लिहाज से बचा ले गए ये एक आलोचना इसकी की जाती है लेकिन निश्चित रूप से भूदान आंदोलन का एक सकारात्मक प्रभाव भी भारतीय समाज में पड़ा था और एक बड़ी मात्रा में भूमि मिली और भूमिहीनों को वो दी गई अब हम जब प्रकाश नारायण की समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं इस समाजवादी विचारधारा में जो सर्वोदय के तत्व हैं वो भी सम्मिलित हैं जो कि बाद में जयप्रकाश नारायण के विचारों का हिस्सा बना सबसे पहली बात जो जयप्रकाश की समाजवादी विचारधारा में आती है वह सामाजिक आर्थिक समानता की बात जयप्रकाश समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के कट्टर विरोधी थे वे भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाना चाहते थे जिससे मनुष्य की शक्ति और क्षमताओं का कुछ सफल व्यक्ति मिलने के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हों वे चाहते थे कि यथासंभव सामाजिक और आर्थिक विषमता समाप्त हो सबको अवसर की समानता प्राप्त हो उनके समाजवाद का उद्देश्य समाज का सामंजस्यपूर्ण संतुलित विकास करना था इसलिए वे उत्पादन के साधनों पर समाज के नियंत्रण के पक्षधर थे और इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि वो उनका जो समाजवाद था वो मार्क्स की रचना में जो समाजवाद का विचार आता है उससे अलग था और वो इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए एक लिहाज से वो गांधी के विचारों के काफी निकट है दूसरा राष्ट्रीयकरण सामाजिक आर्थिक न्याय और समाजवादी समाज की स्थापना उत्पादन के 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 साधनों द्वारा ही संभव होती है सन 1934 सौ चौतीस में जयप्रकाश नारायण ने समाजीकरण पर बहुत जोर दिया सन उन्नीस के रामगढ़ कांग्रेस में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा इसका उद्देश्य बड़ी उत्पादन इकाइयों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना था उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन जहाज रानी तथा भारी एवं आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए अब हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो बाद के दौर में काफी हद तक विकेंद्रीकृत व्यवस्था के समर्थक बन गए ग्राम स्वराज की बात करने लगे ले लेकिन मोटे तौर पर उनका यह मानना रहा जो शुरुआती दौर में था तो बाद में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने के बावजूद वो इस बात के बहुत समर्थक नहीं रहे कि पूंजी का केंद्रीकरण हो जो बहुत भारी भारी उद्योग हैं वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में हो इसके बजाय वो इन भारी उद्योगों की आवश्यकता को मानते हुए इनके राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो जयप्रकाश नारायण की का जो समाजवाद का विचार है वह इस बात को नहीं मानता है पूरी तरह से कि जिस तरह की व्यवस्था गांधी बनाना चाहते हैं वह तरीके से उसी में हो सकता है पर देने के बावजूद उनका जोर इस बात पर भी है कि अगर कुछ बड़े उद्योग हैं तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए समाज का उन पर सामूहिक स्वामित्व हो बजाय इसके कि कुछ पूंजीपति उस पर कब्जा जमाए रहे हैं और उसके आधार पर समाज जो है वो अमीर और गरीब में बटा रहे इसके अलावा उन्होंने भारतीय संस्कृति पर आधारित समाजवाद की बात कही 1940 के दशक के आखिर तक जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवाद से मोह भंग हो चुका था अब वे भौतिकवाद पर विश्वास नहीं करते थे समाजवाद के प्रमुख तत्वों को अपनाते हुए भी वे भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे भारतीय संस्कृति का यहाँ पर अर्थ यह नहीं है कि वह भारतीय संस्कृति के हर एक तत्व का प्रबल समर्थक थे लेकिन उनका यह मानना जरूर था कि जो भारत की का समाज है यहाँ से के जुड़े लोगों की जो भावनाएं हैं उसको उसकी अवहेलना करके आप समाजवादी विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं मार्क्सवाद के भीतर भी हमेशा से जो मार्क्सवादी पार्टियां हैं वो इस चुनौती का सामना करती रही हैं क्योंकि एक आ, विचार के रूप में अगर हम मार्क्सवाद को लें तो वह समाजों को का वर्गीकरण करता है वह एक स्तर पर बताता है कि एक समाज अपने प्रगति की किस अवस्था में है उसके बाद उसके भीतर जो विचार आते हैं उन विचारों को वह प्रतिक्रियावादी पुरातनपंथी पंथी रूढ़ीवादी या फिर प्रगतिशील के खांचे में बांटता है और ऐसे में एक खास तरह के विचारों को पूरी तरीके से नकार देने की संभावना बनती है इसीलिए कई बार धर्म धार्मिक कर्मकांडों धार्मिक धार्मिकता से जुड़े हुए अन्य पहचानों की को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है लेकिन जो सोशलिस्ट लोग थे समाजवादी धारा के लोग थे उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से नकारने की बात नहीं की बल्कि वो इस आधार पर समाजवाद का निर्माण करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं जिसमें कि जयप्रकाश नारायण भी शामिल हों कि भारतीय संस्कृति के जो अच्छे पहलू हैं उन्हें संजो कर रखा जाए और उनके आधार पर समानता मेल मिलाप और सामंजस्य पर आधारित एक समाज का निर्माण किया जाए आ, रामन हो लोहिया ने भी ऐसी कोशिश की जब उन्होंने धर्म की पहचानों के साथ लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया लोगों की भावनाओं को उभारने का प्रयास किया तो ये जो एक प्रवृत्ति है वो समाजवादियों में ज्यादा है बाद के दौर में जो भारत में अगर हम देखें जो मार्क्सवादी दल हैं, उन्होंने भी अलग तरीके से इसकी कोशिश की लेकिन हमेशा ही उनका जो आलोचनात्मक रवैया है वह ज्यादा प्रमुखता से बना रहा वो संस्कृति के तत्वों को संदिग्ध मानते हैं इस आधार पर कि इसके माध्यम से जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां प्रभुत्व बढ़ा सकती हैं तो यह जो संस्कृति, संस्कृति पर आधारित समाजवाद की बात है वह असल में समाजवादियों और कम्युनिस्टों के बीच के अंतर को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है चौथा विकेंद्रीकृत और सहकारी व्यवस्था की बात मार्क्सवाद में सत्ता ऊपर से थोपी जाती है वहाँ शक्ति चोटी से चलती है और फिर कम्यून या ग्राम इकाइयों में फैलती है जिसको कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद भी कहा जाता है और लेनिन ने इस विचार को प्रस्तुत किया जयप्रकाश नारायण इसके विरोधी थे लोकतांत्रिक केंद्रवाद में ऊपर से निर्णय लिया जाता है और फिर वो नीचे हर एक जो इकाई हैHttpPost जाता है जयप्रकाश नारायण को ये लगता था कि ये तरीका सही नहीं है उनका मत था कि सत्ता और चोट, शक्ति छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ प्रसारित होनी चाहिए वे राज्य शक्ति का पूर्ण विकेंद्रीकरण चाहते थे जो कि साम्यवाद में मुमकिन नहीं है क्यों मुमकिन नहीं है क्योंकि साम्यवाद में आ, यह माना जाता है कि जो निर्णय होगा वो ऊपर का जो पोलिट ब्यूरो है वह लेगा और उसके बाद वो नीचे के सभी लोगों के द्वारा माना जाएगा उसमें डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट एक ये माना जाता है कि जो लोग ऊपर चुने जाएंगे वो नीचे के लोगों की सहमति से चुने जाएंगे लेकिन बाद में उनका निर्णय माना जाएगा जयप्रकाश यह चाहते हैं कि शक्ति का पूर्ण विकेंद्रीकरण होना चाहिए यानी कि जो सत्ता है जो निर्णय ले, लेने की जो पूरी शक्ति है वह भी निचले स्तर पर जो इकाइयाँ हैं उनको मिली होनी चाहिए और उसके आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए वे चाहते थे कि गांव में स्वावलंबी एवं स्वासी इकाइयां स्थापित की जाए भूमि कानूनों में सुधार कर केवल कि वाले किसानों को भूमि स्वामित्व तो प्रदान किया जाए यह भी अपने आप में एक बहुत ही रेडिकल प्रस्ताव माना जा सकता है कि जो लोग वास्तव में खेती करते हैं खेत उन्हीं के पास हो इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने सहकारी खेती का भी समर्थन किया सहकारी खेती से और ये जो सहकारिता आंदोलन है वह एक तरीके से हमारे देश में एक लंबे समय तक इस पर बातचीत चलती रही है कि जो अलग अलग समूह हैं और बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में भी इसकी अवधारणा को आगे बढ़ाया गया कि वो आपस में अगर अपनी स्वायत्ता कायम रखते हुए भी अगर एक गांव के लोग मिलकर या कई गांवों के लोग मिलकर खेती करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं उनको बाजार तक अपने वस्तुओं को पहुंचाने में आसानी हो सकती है उन्हें अच्छे बीज मिल सकते हैं और भी कई तरह के जो छोटे छोटे संकट होते हैं उससे उन्हें निकलने का साधन मिल सकता है तो जयप्रकाश नारायण ने इस प्रकार की सहकारी खेती का समर्थन किया और वो इस बात के विरुद्ध थे कि जो भूमि जोतने वाला है उसका शोषण हो उनकी मान्यता थी कि खेतीहर मजदूरों का शोषण खत्म करने के लिए सहकारी खेती या सामूहिक कार्य योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए सहकारी ऋण व्यवस्था तथा सहकारी हाट व्यवस्था के भी वे पक्षधर थे और मुझे उम्मीद है कि आप सहकारी या कोऑपरेटिव सिस्टम में उसकी एक समझ आपके दिमाग में साफ होगी कि एक भौगोलिक सीमा के भीतर जितने लोग रह रहे हैं किसान हैं वो आपस में एक संगठन के माध्यम से जुड़े रहें और उनकी खेती उस तरीके से संचालित हो जिसमें कि वो एक दूसरे का सहयोग करें उनका जो उत्पादन होता है वो बाजारों तक सही तरीके से पहुंचे उन्हें जरूरत हो तो उन्हें ऋण की व्यवस्था मिले और ये एक जो पूरा सिस्टम था वो जेपी उसको एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मानते थे उन्होंने भारतीय भारतीय संस्कृति और भारती राष्ट्रवाद में आस्था रखते हुए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था सहकारी व्यवस्था और राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया इसके विपरीत रूसी साम्यवाद पूर्ण राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखता था यह स्वतंत्रता शब्द पर व्यक्ति के संदर्भ में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था तो यह जो अंतर है जिसकी तरफ बार बार मैंने पीछे भी आपका ध्यान दिलाया है कि ऐसा नहीं है कि जेपी राष्ट्रीयकरण को पूरी तरीके से नकारते हैं और यहाँ पर उनके विचार गांधी से अलग हो जाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो ग्राम स्वराज की बात करते थे और उनके मॉडल में बड़े बड़े उद्योगों का कोई स्थान नहीं था लेकिन और नेहरू जो थे वो नेहरू ने ग्राम स्वराज्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं तो जो जेपी हैं और वो उनका जोर इस बात पर है कि जो बड़े उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण हो लेकिन उसके साथ साथ विकेंद्रीकरण भी हो लोगों की स्वतंत्रता भी कायम रहे और इस प्रकार से वह व्यक्तियों की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक के रूप में कायम के रूप में सामने आते हैं समाजवाद का इनका विचार सर्वोदय समाज की स्थापना के लक्ष्य के रूप में सामने आता है ग्राम स्वराज्य पंचायत नहीं है बल्कि स्विक्सित से आत्मनिर्भर तथा पूर्ण सत्ता संपन्न ग्रामीण इकाई है मानते हैं कि समाज के सर्वोदय के रूप में परिवर्तित होने पर ही समानता स्वतंत्रता बंधुता व शोषण से मुक्ति के, के का समर्थन किया, को सशक्त बनाया जा सकता है अब हम आगे जयप्रकाश नारायण के समग्र या संपूर्ण क्रांति संबंधी विचारों पर ध्यान देंगे लेकिन उस वहां पर जाने से पहले आप सब इस बात को ध्यान रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जब सर्वोदय की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह विकेंद्रीकरण का ज्यादा समर्थन करने लगे उनके लिए व्यक्तिगत जो व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता की महत्ता बढ़ी जो लोकाचार लोक संस्कृति में जो बातें हैं वो उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे और आगे चलकर हम ये देखेंगे कि वो दलविहीन लोकतंत्र की भी बात करने लगे जो एक अलग धारणा के रूप में हमारे सामने आती है जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया और यह इससे उनका जुड़ाव काफ़ी रोचक है इंदिरा गांधी की सरकार काफ़ी मजबूत स्थिति में थी उन्नीस सौ इकहत्तर में जो बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी उसके बाद इंदिरा गांधी की छवि भी काफ़ी सुदृढ़ हुई थी लेकिन धीरे धीरे देश अव्यवस्था का शिकार होने लगा गुजरात में निर्माण आंदोलन शुरू हुआ बिहार में इसी तरीके का छात्रों ने आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन से जो बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इन सब चीजों के खिलाफ जो आंदोलन छात्रों ने शुरू किया था जयप्रकाश नारायण उससे जुड़े और बाद में धीरे धीरे करके यह आंदोलन आगे बढ़ते हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन के रूप में जाना गया संपूर्ण क्रांति आंदोलन के माध्यम से समाज की बाय संरचना में ही नहीं बल्कि मनुष्य के मानवीय चेतना में परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि समाजवाद लाने के लिए समग्र क्रांति की जाए जयप्रकाश नारायण की मान्यता थी कि सभी वर्गों के लोगों को इस क्रांति में भाग लेना है जयप्रकाश नारायण के अनुसार समग्र क्रांति के संदर्भ में में मिश्रित अर्थव्यवस्था अति आवश्यक है इस क्रांति जयप्रकाश नारायण ने युवा शक्ति के योगदान को विशेष महत्व दिया जयप्रकाश नारायण के शब्दों में युवा पीढ़ी के उत्साह और आदर्शों को रचनात्मक कार्य में प्रवृत्त करना कोई बुरी बात नहीं है परंतु साधन तथा साध्य के संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि युवा पीढ़ी को क्रांति के लिए प्रत्येक प्रकार के साधनों को प्रयुक्त करने की अनुमति दे दी जाए यानी कि वो युवाओं को इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे थे लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि एक अहिंसक कार्यक्रम के द्वारा ही इस चीज को लागू किया जाए मुख्य रूप से अगर हम घटनाक्रम के स्तर पर देखें तो जैसे मैंने पहले बताया कि यह बिहार और गुजरात में जो विद्यार्थियों का आंदोलन था उससे यह चीज शुरू हुई देश में जो भ्रष्टाचार या बेरोजगारी महंगाई इस तरह की जो समस्याएं थी उसके कारण से एक बेचैनी थी इस आंदोलन का जो अलग अलग राज्यों में जो दमन करने का प्रयास किया गया इससे भी इसे एक महत्वपूर्ण दिशा मिले समग्र क्रांति का जो आंदोलन था उसके कार्यक्रमों पर विचार करने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो इंदिरा गांधी थी उन्हें कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय था उसने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था और उन्हीं परिस्थितियों में जयप्रकाश नारायण के भाषणों के कारण उनके स्वभाव के कारण जो एक तरह की बेचैनी इंदिरा गांधी में पैदा हो रही थी उन सब के कारण उन्होंने देश में आपातकाल लागू किया और ये जो आपातकाल लागू किया गया जून के आखिरी हफ्ते में उन्नीस को उसने भी लोकतंत्र को एक अंधेरे दौर में धकेल दिया देश के प्रमुख विपक्षी दलों के नेता जो थे वो जेल में चले गए कई बार यह तर्क दिया जाता है कि शायद जयप्रकाश नारायण के कुछ भाषणों को भी इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लागू करने के लिए के लिए जिम्मेदार माना था कि क्योंकि यह कहा गया जेपी ने उन भाषणों में विद्यार्थियों के साथ साथ जो कर्मचारी या सेना के लोग थे उन्हें भी सरकार की बात ना मानने के लिए कहा था लेकिन कुल मिलाकर यह इंदिरा गांधी की जो एक तानाशाही प्रवृति थी वह उसी का परिचायक था और विशेष रूप से उनके पुत्र संजय गांधी जो कांग्रेस में उस समय सक्रिय हो चुके थे उनकी प्रभाव के बढ़ने के कारण भी यह स्थिति गंभीर होती चली गई जब प्रकाश नारायण सहित विपक्षी दलों के नेता जब जेल से निकले आपातकाल के हटने के बाद तो जो चुनाव हुआ उसमें फिर जेपी ने सभी दलों को जोड़ने की बात की लेकिन इस पूरी अवधि में चौहत्तर पचहत्तर

समग्र क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन की मांग को लेकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया साम्यवादी दल को छोड़कर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़कर अन्य सभी दलों ने इसे पूर्ण समर्थन दिया इस समर्थन के बाद लोकसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित मांगे की गई पहला बिहार तथा गुजरात में शीघ्र ही चुनाव कराया जाए दूसरा आवश्यक वस्तुओं की सस्ते दर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तीसरा मूल्यों में स्थिरता हो चौथा न्यूनतम मजदूरों मजदूरी की गारंटी हो पांचवा आर्थिक असमानताएं दूर हो छठा प्रभावकारी भूमि सुधार लागू किए जाए सातवा भूमिहीनों को भूमि तथा के मजदूरों को उचित मजदूरी मिले आठवां पूर्ण रोजगार का आश्वासन हो नौवा विधि के शासन की स्थापना के लिए प्रजातांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता सुलभ हो दसवां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था हो 11वां मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाए और मतदाता की आयु 21 वर्ष की बजाय 18 वर्ष की जाए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाए तथा अन्य उपाय अपनाने जाए अपनाए जाए अब अगर हम इन मांगों को देखेंगे तो कुछ मांगे ऐसी हैं जो कि बहुत तात्कालिक थी मिसाल के तौर पर बिहार तथा गुजरात में शीघ्र चुनाव कराने की बात लेकिन अन्य जो चीजें थी जैसे कि जो उम्र है वोटिंग का वो 21 से 18 किया जाए उसे बाद में किया भी गया दूसरी कई अन्य मांगे मिसाल के तौर पर लोकपाल की मांग वो बाद के दौर में भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मांग बनी रही और जो दो हजार के आसपास जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ उसमें भी लोकपाल ही एक मुख्य मांग था तो एक ऐसी मांगों के, के साथ वो सामने आए जिसमें कि कुछ मांगे जो थी वो तात्कालिक थी और कुछ मांगे जो थी वो दुर्गामी प्रभाव की थी मिसाल के तौर पर पूर्ण रोजगार का आश्वासन और इस तरह के कार्यक्रम अगर हम समग्र क्रांति के उद्देश्य पर ध्यान दें तो उसमें कुछ बातें हम कह सकते हैं पहला लोकतंत्र की समुचित व्यवस्था समग्र क्रांति का उद्देश्य जनता को अधिक जागरूक कर्तव्य पराय तथा जन प्रतिनिधियों को अधिक उत्तरदायी बनाना कि जयप्रकाश नारायण का यह भी विचार था कि जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है उन्होंने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों तथा नौकरशाही दोनों के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए तीसरा न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना समग्र क्रांति का उद्देश्य समता तथा सामाजिक न्याय पर आधारित ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना था जो अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष कर सके चौथा जनशक्ति को जागृत करना समग्र क्रांति की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि जनता में राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना जागृत की जाए तथा वह जनशक्ति के रूप में उभरकर सामने आए पांचवा स्वयंसेवकों की भूमिका जयप्रकाश नारायण का यह भी विचार था कि जनता में समग्र क्रांति का आह्वान स्वयं सेवकों द्वारा किया जाएगा तथा राष्ट्रीय पुनर्रचना का कार्य स्वयं सेवकों की विशाल सेना द्वारा संपन्न किया जाएगा जेपी का आंदोलन भ्रष्टाचार के विषय से शुरू हुआ था बाद में इसमें बहुत कुछ जोड़ा गया और यह संपूर्ण क्रांति में परिवर्तित हो गया और व्यवस्था परिवर्तन की ओर मुड़ गया इसके तहत जेपी ने कहा कि यह आंदोलन सामाजिक न्याय जाति व्यवस्था तोड़ने जनेऊ हटाने नर नारी समता के लिए है बाद में इसमें शासन प्रशासन का तरीका बदलने राइट टू रिकॉल को भी शामिल कर लिया गया जेपी अंतर विवाह पर जोर देते थे यह भी उल्लेखनीय है कि एक बार संपूर्ण क्रांति के बारे में खुद जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि यह लोहिया की शब्द क्रांति का मूर्त रूप है लोहिया की शप्त क्रांति के निम्न आयाम हैं उन्होंने एक साथ सात क्रांतियों का आह्वान किया और वे सात क्रांतियां थीं नर नारी की समानता के लिए क्रांति चमड़ी के रंग पर रची राजकीय आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति संस्कारगत जन्म जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों के विशेष अवसर के लिए क्रांति परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति छठा निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्रिक पद्धति के लिए क्रांति और सातवा अस्त्र शास्त्री के खिलाफ सत्याग्रह के लिए क्रांति यह जो सात क्रांतियों की बात या सप्त क्रांति की बात लोहिया करते हैं वह अपने आप में एक व्यापक रूपरेखा है और व्यापक रूपरेखा है कि समाज को कैसे बदला जाए एक आदर्श समाज की कैसे रचना की जाए और उसी तरीके से जो कार्यक्रम जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन के अपने नारे के साथ दिया वह भी एक व्यापक समाज परिवर्तन का कार्यक्रम है हालांकि बाद में यह कार्यक्रम कैसे लागू किया जाए सरकार इस पर किस तरह से आगे बढ़े इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और बहुत तरह के जो कदम उठाए जाने थे वो कदम उठाने के बजाय ज्यादा ध्यान जनता पार्टी के गठन और उसके बाद सत्ता को हासिल करने में लगाया गया जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उससे कई छोटे छोटे दल जुड़े और उन्होंने एक पार्टी का गठन किया और यह एक गैर कांग्रेसवाद की जो लोहिया की थीसिस थी उसे इसके अगले चरण के रूप में देखा जा सकता है लोहिया दलों के अस्तित्व को कायम रखते हुए एक साझा मंच बनाने पर जोर दे रहे थे लेकिन जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें सोशलिस्ट जनसंघ और कांग्रेस से अलग हुए कई खेमे एक साथ मिल गए और उन्होंने एक अलग दल का निर्माण किया जनता पार्टी के रूप में जिसको के चुनाव में आंशिकित सफलता मिली लेकिन समग्र क्रांति का क्या हुआ समग्र क्रांति का जो पूरा विचार था वो वैचारिक स्तर पर ही रहा और सरकार के कुछ कार्यक्रमों में वो आया लेकिन कई सारे कार्यक्रमों में वो नहीं भी आया मिसाल के तौर पर जो 21 से 18 वर्ष तक उम्र घटाने की बात थी वो बाद में राजीव गांधी की सरकार ने लागू की 1988 में उसी तरीके से जो लोकपाल का विषय था वो कभी भी जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं बना और नर नारी समानता से लेकर अन्य तरह की जो आ, जो बातें कही गई वो व्यवहारिक स्तर पर सरकार के द्वारा लागू नहीं की जा सकी लेकिन जयप्रकाश नारायण के पूरे विचारों का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है और वह आयाम जो है वो जुड़ा हुआ है दलविहीन लोकतंत्र के विचार से जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र को दोष मुक्त बनाना चाहते थे वो धनबल और चुनाव के बढ़ते खर्च को कम करना चाहते थे ताकि जनता का भला हो सके जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों में दल विहीन लोकतंत्र की धारणा भी महत्वपूर्ण है वे दलीय राजनीति के विरुद्ध थे क्योंकि यह समाज में नैतिकता नैतिक पतन भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता फैलाती है जिस दल का बहुमत होता है वह समस्त शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करके लोकतंत्र के नाम पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करता है या जनता को स्वशासन के नाम पर भ्रमित करता है या प्रकाश नारायण के जो ये विचार हैं वो काफी हद तक कांग्रेस शासन को देखते हुए या इंदिरा गांधी के शासन को देखते हुए प्रस्तुत किए गए थे लेकिन अगर हम किसी भी बहुमत वाली सरकार को काम करते हुए देखेंगे चाहे राज्य के स्तर पर चाहे केंद्र के स्तर पर तो हमें ये सारी की सारी प्रवृत्तियां दिखेंगी शक्ति का काफी केंद्रीकरण हो जाता है और लोकतंत्र के नाम पर कुछ लोग या एक व्यक्ति स्वेच्छाचारी शासन कर रहा होता है तो इसका जयप्रकाश नारायण को यह एहसास हो गया था और उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं बल्कि विरोधी दल भी जनहित में कार्य नहीं करते हैं उनके विचार में लोकतंत्र की वास्तविक उपलब्धि हेतु राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है और इसके लिए उन्होंने पंचायती राज का समर्थन किया और उस संदर्भ में उन्होंने आ, कुछ बातों पर जोर भी दिया लोक शासन को दलिय शासन बनने से रोकने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया लोकतंत्र में जो मतदान क्रिया में सिमट कर रह गया है उसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया मताधिकार को वास्तविक बनाने पर जोर दिया जयप्रकाश नारायण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथा जो है वो जनता हीन को जनता को शक्तिहीन बना रही है इसीलिए वो दलहीन लोकतंत्र पर बल देते हैं वे राज्य के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रभाव को भी हानिकारक मानते हैं वे चाहते थे कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया नीचे से आरंभ हो स्वशासन और स्वप्रबंध का कार्यक्रम जनता के समक्ष रखा जाए जेपी के आलोचनात्मक मूल्यांकन की तरफ जाने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि अगर हम लोकतंत्र से संबंधित विमर्श को देखें तो बहुत सारे ऐसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने लोकतंत्र की इन सीमाओं को पहचाना है हालांकि उन चिंतकों ने जब उन्होंने विमर्शी लोकतंत्र की बात की या डेमोक्रेसी डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी की बात की तो या टिव डेमोक्रेसी की जब बात की तो उस तरह की अवधारणाओं पर बात करते हुए वो अपने कि लोगों का से विश्वास अलग तरीके से खत्म हुआ क्योंकि उन्हें लगने लगा कि वो टैक्स देते हैं उन्हें कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो उन्हें अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि वो रोज रोज राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उसमें शामिल हों हिंदुस्तान की समस्या थोड़ी अलग प्रकार की रही और जो जेपी दलों के प्रतिनिधियों की या दलों की भूमिका की आलोचना करते हैं वैसी आलोचना कई राजनीतिक दार्शनिकों ने बहुत पहले भी की है मिसाल के तौर पर रूसो हमेशा ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को गलत मानते थे महर्षि अरविंद ने भी इन सीमाओं की तरफ अपने लेखन में ध्यान खींचा था कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो कई तरह की कमियों का शिकार हो सकती है महात्मा गांधी का भी यही कहना था कई बार जब वो पार्लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट की आलोचना कर रहे होते थे तो तो एक विचार के रूप में यह हमेशा ही मौजूद रहा है कि जो संसदीय लोकतंत्र है या जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसकी कमियां क्या हैं मिसाल के तौर पर रूसो ने भी यह कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक तरीके से ब्रोकर बन जाते हैं और वो जनता के हितों के बजाय अपने हितों को रखने लगते हैं अपने हितों को साधने लगते हैं जेपी भी वही बात कह रहे हैं और हम असल में व्यवहार में भी यही बात देख सकते हैं तो या तो हम इसी व्यवस्था के साथ जिए या जो मॉडल जेपी कह रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ें जिसके बाद कुछ अलग तरीके से गांधी ने कही ग्राम स्वराज्य को बढ़ावा दें हम दलीय राजनीति को जो कि कटुता पैदा करती है जो कि कुछ खास लोगों के हाथों में शक्ति को केंद्रित कर देती है उसे पीछे करें और दलविहीन लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ें मैं यहाँ इस बात को जोर देकर रेखांकित करना चाह रहा हूं कि जयप्रकाश नारायण के जो विचार हैं वो एक जिसको हम कह सकते हैं कि लीक से हटकर सोचने की प्रवृत्ति उसको दर्शाते हैं कि उन्होंने इसी लोकतंत्र में कुछ छोटी मोटी चीजों को ठीक करने के बजाय बहुत ही रेडिकल तरीके से विचार रखा कि हिंदुस्तान को दलविहीन लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है हालांकि इस प्रक्रिया में कि अपनी समस्याएं भी रहेंगी मिसाल के तौर पर क्या दलविहीन लोकतंत्र एक सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता वाले समाज में काम कर सकता है अगर एक गांव में कोई दल नहीं है लेकिन कुछ लोग जाति के आधार पर ऊंचे हैं और कुछ लोग जाति के आधार पर नीचे के पैदान हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो दलविहीन लोकतंत्र का जयप्रकाश नारायण का विचार है वह काफी सारी संभावनाओं से भरा हुआ है और वह एक नए तरीके से लोकतंत्र के बारे में सोचने और विचार करने की एक प्रेरणा देता है और शायद यही कारण है कि बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पर जब पंचायतों में चुनाव होते हैं तो उन्हें दलों के आधार पर न कराने के विचार को भी अपनाया गया है कुल मिलाकर वो लोकतंत्र की एक मजबूत समीक्षा इसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं अ, अगर हम जयप्रकाश नारायण के विचारों के कुछ आलोचनात्मक पहलुओं पर ध्यान दें तो सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू आता है वह उनके समर्थक जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की राजनीति को अच्छा नहीं मानते थे उनका यह कहना था कि लोहिया की तरह जयप्रकाश नारायण ने भी आरएसएस और जनसंघ को मुख्य धारा में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एक वैधता दिलाने वाली भूमिका निभाई जब जेपी जो थे वो एक तरीके से यह मानते थे कि जो आरएसएस है उसके भीतर जो एक तरह की कट्टरता है या एक तरीके से जो मुस्लिम द्वेश की भावना है उसको दूर किया जा सकता है और उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है उनको सुधारा जा सकता है और उनके साथ राजनीति करते हुए देश को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और कई सारे उनके जो समर्थक हैं वो बार बार इसी चीज को रेखांकित करते हैं उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी कि असल में जयप्रकाश नारायण को यह उम्मीद थी कि भले ही आरएसएस की राजनीति और सोशलिस्टों की राजनीति पूरी तरीके से अलग रही है लेकिन आर के भीतर अगर कुछ ऐसे तत्व हैं जो थोड़े प्रगतिशील रूप में सोचते हैं और उन वो अपने संगठन को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं तो उनके साथ जुड़कर एक बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है हालांकि हमें जानते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण हैं वो अपनी उनकी जो ये समझ थी वो पूरी तरीके से सही साबित नहीं हुई और जो आरएसएस है उसका जनता पार्टी से जो जुड़ा हुआ उससे आर और जनसंघ को काफी फायदा हुआ और जो सोशलिस्ट धारा के दल थे उससे उनको नुकसान हुआ दूसरा कि मैंने पहले भी इस बात को कहा कि जो दल लोकतंत्र का उनका विचार है वह एक विचार या एक मॉडल के रूप में सामने आता है लेकिन क्या उसे सही तरीके से लागू किया जा सकता है तो इस बात की संभावना बहुत कम दिखती है खासतौर तो पर हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में कि आखिर जब अगर हम गांवों की स्वायत्तता की बात करते हैं तो गांवों के ऊपर के शासन की व्यवस्था कैसे होगी कुछ मसले या बहुत सारे मसले जो कि गांवों के स्तर पर नहीं सुलझते हैं उन्हें कैसे सुलझाया जाएगा लोग किस तरीके से एक जगह बैठ एक दूसरे से संवाद करेंगे तो ये मॉडल पूरी सवालों का जवाब प्रस्तुत नहीं करता है हाँ यह जरूर है कि यह मौजूदा संसदीय राजनीति की काफी तीखी और काफी गहरी आलोचना प्रस्तुत करता है और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यह हमें इस दिशा में और ज्यादा गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है दूसरा कि या तीसरे स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो हैं वो संपूर्ण क्रांति के विचार को रखते हैं लेकिन संपूर्ण क्रांति का जो उनका विचार था बाद की राजनीतिक घटनाक्रमों से ऐसा लगा कि वो संसदीय राजनीति की दिशा में मुड़ गया और संसदीय राजनीति की दिशा में मुड़ने के बाद जो संपूर्ण क्रांति की बातें थी उनको पीछे छोड़ दी, पीछे छोड़ छोड़ दी दिया गया मिसाल के तौर पर नर नारी समता की बात हो या फिर लोकपाल की स्थापना की बात हो या फिर ज्यादा विकेंद्रीकरण बढ़ाने की बात हो इन सभी मामलों में जो जनता पार्टी की सरकार है उसने बहुत ठोस कदम नहीं उठाया जयप्रकाश नारायण का जो विचार था वह एक लेखन या एक खास समय में उभरकर सामने आने वाले विचारों के रूप में ही सिमट कर रह गया समाज एक आमूल चूल परिवर्तन की दिशा में या एक रेडिकल बदलाव की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया और इसी कारण से उसके जो बहुत सारे जो नारे थे वो बहुत सारे जो आयाम थे वो नारेबाद नारेबाजी में ही बदल कर रह गए और उनको सही तरीके से लागू करने के लिए कोई काम नहीं किया गया इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण की एक आलोचना सामने आती है वह यह भी कि आ, वो आ, कई बार जो राजनीतिक धारा का जब वो बदल रहे थे तो उससे उन्होंने अपनी राजनीतिक धारा का भी नुकसान किया मिसाल के तौर पर आ, हर एक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो संसदीय राजनीति या चुनावी राजनीति में रहे या उससे अलग हटकर कुछ और करे तो जेपी के पास यह आजादी थी लेकिन उस उनकी इस निर्णय से पचास के दशक में विपक्षी राजनीति को काफी नुकसान हुआ समाजवादी राजनीति को काफी नुकसान हुआ और मोटे तौर पर देश की जो संसदीय लोकतंत्र की राजनीति थी उसे भी नुकसान हुआ क्योंकि यह माना जाता था कि वो एक विपक्ष के मजबूत चेहरे के रूप में देश का आगे प्रतिनिधित्व कर सकते थे खुद खुद प्रधानमंत्री भी ऐसा मानते थे लेकिन जयप्रकाश नारायण उसके उससे अलग जाकर एक दूसरे तरह की राजनीति में जुड़ गए कई बार उनका उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि वो बहुत लंबे समय तक एक राजनीतिक धारा से जुड़कर नहीं रह पाते थे और ये सारे बताई जाती थी कि वो लोग एक साथ लंबे समय तक जुड़कर राजनीति नहीं कर पाते थे तो जिसके कारण से एक व्यापक राजनीतिक मोर्चा बन, बनाने में वो समर्थ नहीं हो पाते थे तो ये सारी जो कमियां हैं वो एक राजनीतिक एक्टिविस्ट के रूप में जेपी की थी लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो जयप्रकाश नारायण को एक अनुकरणीय व्यक्तित्व बनाती हैं उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया उनका पूरा जीवन जो है वो राजनीतिक शुचिता का एक उदाहरण है वो कभी भी अपने विरोधियों के खिलाफ एक सीमा से नीचे नहीं गए यहाँ तक कि जब जनता पार्टी चुनाव जीती और जनता पार्टी के चुनाव के पहले में उनके सम्मान में सभा थी उससे पहले वो खुद इंदिरा गांधी से मिलने गए थे जो कि चुनाव हारी थी तो ये एक उनके उद्दात या विराट व्यक्तित्व को भी दिखाता है और वो ऐसे लोगों में थे जो कि जिनके बारे में आ, शायद आज के दौर में बहुत कल्पना नहीं हम कर सकते हैं जो राजनीति में जुड़े थे पर जिन्होंने अपने लिए पैसा बनाने की कोशिश नहीं की बल्कि पूरी तरीके से मूल्यों के साथ जुड़कर अपनी राजनीति करते रहे और देश में एक बड़े बदलाव का सपना उन्होंने देखा उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की कुछ बातें तार्किक हमें लग सकती हैं कई बातें हमें अतार्किक लग सकती हैं लेकिन उनकी इन प्रयासों में उनकी उस ईमानदारी में हम संदेह नहीं कर सकते हैं और एक राजनेता के रूप में एक चिंतक के रूप में उनके विचारों की साफ कमियां भी दिखती हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है लेकिन इस बारे में इस पर किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि बाद के दौर में जो हमारे देश की राजनीति बदले जिसे कि साइलेंट रेवोल्यूशन का नाम दिया क्रिस्टोफ जेफरलो ने और एक डेमोक्रेटिक अप्सर्ज की बात की योगेंद्र यादव जैसे राजनीतिशास्त्रियों ने उसकी जो एक मिसाल है वो जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक एक्टिविज्म में दिखती है। अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश में उभरे कई पिछड़ी जातियों के नेताओं को देखते हैं तो वो सारे के सारे वो नेता हैं जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उभर कर सामने आए तो कुल मिलाकर उसके बाद के दौर में भी जो जेपी का एक राजनीतिक व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वह बाद की पीढ़ी के नेताओं पर साफ तौर पर दिखता है तो मेरी यह कोशिश रही इस पूरी प्रस्तुति में कि मैं जयप्रकाश नारायण के जीवन और उनके कार्यों के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे सकूं। मैंने कोशिश की कि उनके विचारों के कई महत्वपूर्ण आयामों को आपके सामने रखूं। एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वो यह कि जेपी बहुत ही ईमानदारी से उन बातों को कहते थे जिन्हें वो महसूस करते थे एक समय पर उन्होंने भारत की कश्मीर नीति को भी लेकर सवाल किया था तो यह एक ईमानदारी जो थी वो जेपी में मौजूद थी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जेपी के जीवन के अन्य पहलुओं को उनके विचारों के अन्य आयामों को पढ़ेंगे आलोचनात्मक तरीके से उन पर सोचेंगे और अपने समझ का विकास करेंगे आज की इस पूरी चर्चा को मैं यही रोकता हूँ अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में बातचीत करेंगे नमस्कार